जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसा कथा लाए हैं तो आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। ऐसे एक समय था, शिव मंदिर में चूल्हा जलाने के लिए आग नहीं था। वो आग कहाँ से आया था? और 550 साल पुराना प्रदीप आज भी जल रहा है। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के कार्तिक महीने में अखंड दीप का महत्व, चैतन्य महाप्रभु कैसे उस समय जब जहाँ आग नहीं था कहाँ पे ये आग लाए, और जगन्नाथ दास भी, तो इस संपूर्ण वाक्य हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास के विषय में। और श्री जगन्नाथ जी को कैसे वो मंगलारती के समय आग जब नहीं था तब वो कहाँ से आग लाए थे, और 550 साल पुराने हुई प्रदीप आज भी जल रहा है, इस विषय में हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल। जैसा आपको पता है अभी तो कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के नीति और परंपरा सबसे अलग होता है, और महाप्रभु इस मास में धर्म अर्जन करते हैं। उसी तरह महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने अर्थात जय विजय के समीप दो अखंड दीप इस महीने जलता है, जो अखंड दीप बोला जाता है, वो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर एक और एक जगह जगन्नाथ दास के नाम पर। वो अखंड दीप क्यों जलता है? चैतन्य महाप्रभु तो आज से 550 साल पुराना किस्सा है, और जगन्नाथ दास भी 550 साल पिछाना, वो आस पास में वो सखा थे, तो ऐसे क्या विपद पड़ी तो उनके नाम पर ये अखंड दीप आज भी जल रहा है 550 साल पुराना। आप तो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के महानता और चैतन्य महाप्रभु के विषय में, और क्षेत्र में उस समय पंचसखा नाम पर पांच महाप्रभु जी का श्रेष्ठ भक्त थे, और श्रेष्ठ भक्त का नाम के अंदर एक ऐसे एक भक्त है जगन्नाथ दास, जो महान ज्ञानी थे और महाप्रभु जी के मतलब बहुत क्लोज, मतलब महाप्रभु के जगन्नाथ जी के बहुत अच्छी भी सखा थे। आज से 550 साल पुराना ये कथा है, जब श्रीक्षेत्र में एक भयानक बारिश हुआ था और तूफान भी आया था। उस तूफान में श्रीक्षेत्र में बड़ी तेज नेस हो गया था, मतलब जनजीवन सब लगभग समाप्त होने वाला था। तब आग का जो जरिया था वो भी समाप्त हो चुका था, मगर इसी तो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नीति कांति तो सबसे बड़ी माना जाता है। तो सुबह सुबह महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंगलारती होता है, ये मंगलारती के समय जो आग लगता है वो आग लगाने के लिए भी कुछ सामग्री नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय एक चमत्कार किए थे, और उनके साथ में जगन्नाथ दास भी, जगन्नाथ जी के बड़े भक्त भी उनका सहायता किए थे। वो दोनों के मदद से महाप्रभु जी का ये मंगलारती का जो कार्य है समाप्त हुआ था। तो मंगलारती के समय वो आग जो लगता है, उस समय जो लाइटर वगैरह मैचिस वगैरह नहीं था, तो जो आग लगाने का जो प्रथा था वो कहीं ना कहीं उस समय थोड़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बड़ा भयानक यह तूफान आया था। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंगलारती होगा, तो मंगलारती कैसे होगा? मंगलारती के समय तो आग चाहिए। अब महाप्रभु जी का सबसे बड़ी बात है प्रसाद कैसे रांधा जाएगा। प्रसाद लगाने के लिए तो चूल्हा लगाने के लिए भी आग भी जरूरत पड़ता है ना। तो सब मतलब सब चिंतित हो गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु और बलराम जगन्नाथ दास, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास के मदद से, वो उनका इतना शक्ति था, वो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास अपने हाथ को घिस घिस के वो आग निकाल के एक दिया बनाए थे। वो दिया में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में लेके महाप्रभु जी के मंगलारती, इस आग से मंगलारती हुआ था, और उसी आग से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का चूल्हा भी जला था, उसके बाद में महाप्रसाद भी हुआ था। तो है ना रोचक की बात, भक्त के पास भी कभी कभी भगवान के भी काम पड़ जाता है। इसीलिए तो भक्तों को सदा सर्वदा ऊपर रखने के लिए महाप्रभु जी सदा सर्वदा उनको एक स्कोप देते हैं, उनको एक चांस देते हैं कि आप सदा सर्वदा ऊपर रहिए। ये किस्सा महाप्रभु चैतन्य और जगन्नाथ जी दास के जो कथा है, कहीं ना कहीं ये हमको मजबूर कर देते हैं कि भक्त सदा सर्वदा महाप्रभु जी के समीप होते हैं, और सदा सर्वदा भक्तों को श्री जगन्नाथ जी अपने माथे के ऊपर रखते हैं, और भक्त के सदा सर्वदा महाप्रभु जी दास बन जाते हैं। आप आज भी देख सकते हो, मतलब 550 साल का जो पुराना चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से घिस घिस के बलराम दास लगाए थे, वो दिया आज भी आप दर्शन कर सकते हो, जो राधाकांत मठ अथवा गंभीरा बोला जाता है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का निवास है, मतलब चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रुके थे
उस मठ में आज भी 550 साल पुराना दिया, आज भी चैतन्य महाप्रभु जी का लगा हुआ दिया भी आज भी अखंडित से महाप्रभु के जो मठ है मठ के अंदर से आज भी आप दर्शन कर सकते हो। ये दिया आज तक भी नहीं बुझा, 550 साल हो गया ये दिया जलते जलते आज भी वो दिया जलता है। के बाद प्रत्येक कार्तिक महीना के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के उनको सदा सर्वदा भक्तों को ख्याल रखते हैं ना, तो महाप्रभु सदा सर्वदा ये कार्तिक महीने में जो जय विजय द्वार श्री जगन्नाथ जी के जो गरुड़ जी के सामने जो जय विजय द्वार होता है उसके बाद में महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए भीतर काट होता है, जय विजय द्वार के सामने इस कार्तिक महीने में दो पार्श्व में चैत्य महाप्रभु जी के नाम पर एक अखंड जलता है और जगन्नाथ जी दास के नाम पर ये अखंड जलता है। आज भी महाप्रभु उनका नाम अमर करने के लिए उनके दरबार में दो दिया कार्तिक महीने में आज भी जलता है। आप जब आओगे श्री क्षेत्र अर्थात श्री जगन्नाथ जी के धाम में अभी कार्तिक महीने में, तो आप डायरेक्ट जो मंदिर में अंदर जाओगे ना जय विजय द्वार में, जय विजय द्वार में आप दर्शन दो दिया कर सकते हो। एक अखंड दीप जो होता है, दो अखंड दीप होता है, एक जय विजय द्वार में जो दो भाग में विभक्त है, एक दिया के नाम चैतन्य महाप्रभु जी के नाम पर लगा है और एक दिया महाप्रभु जगन्नाथ जी दास के नाम पर लगा हुआ है। वो दिया वही आग से जो चैतन्य महाप्रभु 550 साल पुराना के जो आग लगाए थे वही दिया से आग आता है और एक महीना श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भक्त के सदा सर्वदा मान रखने के लिए वो दिया आज भी इस महीना चलता है। ये महाप्रभु जी के महानता, यही है महाप्रभु जी के किस्सा। और भी कार्तिक महीने में बड़ी बड़ी भोग लगता है, उस विषय में मैं जरूर आऊँगा आपके आपके सामने। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री चैतन्य, जय जगन्नाथ दास।